Fred Herbert. Hello. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, I'm TikTok. मैं ठीक हूँ आप सुनाइए मैं बस थोड़ा disappointed हूँ खयाम की language सुनके ना खयाम की language आपने पहले नहीं सुनी है नहीं मैंने मैंने वाकई कभी नहीं सुनी अच्छा असल में अगर आप एक्टिविज्म करना चाहते हैं ना तो इस तरह की लैंग्वेज यूज करके आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते नहीं वो तो ऑब्वियसली नहीं यू कैन नॉट मगर हम खयाम को कभी कभार बोल लेने देते हैं कभी कभार अच्छी बात है मैं इस चीज से डिसएग्री नहीं करता कि लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए वो जो मर्जी कहना चाहे वो कहें उसके रिपरकशंस जो है वो कितने सिवियर है मेरे उस पे आर्गुमेंट है कि लोगों को ये नहीं कि कत्ल कर देना चाहिए उस वक्त उसकी वजह से मेरा ख्याल है लोगों को एजुकेट करना चाहिए जहाँ तक एक्टिविज्म का ताल्लुक है मुझे नहीं पता है खयाम का क्या बैकग्राउंड है क्या करना चाहते हैं आई डोंट थिंक कि वो एक्टिविज्म कर रहा है आई थिंक वो फ्यूचर उनका कहना ये कि मैं ये वीडियोस जो बनाता हूं मैं फ्यूचर के लोगों के लिए बनाता हूं देखो हर किसी का अपना स्टाइल है एवरीवन इज सेइंग थिंग्स एंड स्टफ बट समटाइम्स सम थिंग्स कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव राइट अब मेरा भी एक्टिविज्म ही कह लो आप मगर लोग कहते हैं तुम गालियां क्यों देती हो मगर मेरा ये कहना है कि मैं 10-15 साल से ना गालियां सुन सुन के दूसरों की और स्पेशली एज अ वुमन मुझे ज्यादा टारगेट किया जाता है चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान की मर्द हो हमें ज्यादा टारगेट मुझे ज्यादा टारगेट किया जाता है मुझे ज्यादा गालियां पड़ती हैं यू नो तो मैं कब तक सुनूंगी मैं भी तो इंसान हूं ना कि नहीं बस मेरी हद हो गई है और मुझे जो गाली देगा मैं उसको गाली दूंगी अब मैं चुप करके नहीं बैठती हूँ चाहे उससे मेरे एक्टिविज्म में जो भी हो जो मुझे सुनने वाले हैं उनको समझनी चाहिए ये चीज स्पेशली जो लड़कियां हैं वो थक गई हैं एवरीवन ऑल द वुमेन आर टायर्ड क्यों हमें हमेशा क्यों गाली खानी है व्हाई आर वी ऑलवेज बी स्वेयर्ड एट रंडी गश्ती ये वो तो हम भी देंगे गाली अब बस सिंपल एग्रीड ये वाकई आपने सही कहा है इसमें थोड़ी फ्रस्ट्रेशन का भी मतलब डिस्प्ले है और मैं तो बल्कि देख के हंस भी रहा था और हैरान भी हो रहा था वो जो तेरा ठोकू साहब जो मतलब उनकी कॉन्वर्सेशन ये थी खयाम के साथ कि तू इधर आ मैं तुझे ये करता हूँ वो करता हूँ और उसके साथ कह रहे थे वो चैट में भी वो शुरू हुआ था ना खयाम को अच्छा, और अच्छा। मैं सोच इस बात को रहा हूँ कि क्या आप इस तरह लोगों को इस्लाम की तरफ कन्विंस करोगे अगर आपका इस प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद ये है कि आप लोगों को इस्लाम से मुतारफ कराओ और उनको उनके आप आइडियाज बदलो तो क्या इस तरह आइडियाज बदलोगे तो ये अनफॉर्चुनेटली ना ये एक कल्चरल हमारे अंदर नुक्स है कि हम लोग जो है ना फॉरन एग्रेशन की तरफ भागते हैं रादर देन के लॉजिक और रीजनिंग की तरफ तो वो तो मैं हमेशा ये कहती हूँ जब भी यहाँ पर आके स्पेशली जिन लोगों का नाम मोहम्मद होता है ना वो सबसे गंदी बात लिखते हैं ये मेरे पास पूरी एक सीरीज पड़ी हुई है मैंने सबके स्क्रीनशॉट देके रखे हैं तो ये जितने लोग यहाँ आते हैं चाहे इंडियंस हिंदूज हों वो आके गालियां लिख रहे होते हैं तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि ये आपके रिलीजन ये सिखाता है इस तरीके से बात करो औरत से ये सिखाता है आपको अच्छा वाह भाई मैं तो कभी ना ज्वाइन करूँ ऐसी रिलीजन जिसमें ये चीजें सिखाई जा रही होती है सो या दैट्स ट्रू चले मैं आगे बढ़ती हूँ थैंक यू सो मच मुझे जरा थोड़ा जल्दी जल्दी से निकलना है मेरे पास 15 मिनट रह गए सिर्फ थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू फिर होगी बात